लास्ट क्लास हमारी एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड थी, आज इसी कड़ी को आगे लेकर चल रहा हूँ। और धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आते हैं कि वोकैबुलरी वोकैबुलरी, भैया पहले थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझो, क्योंकि वोकैबुलरी रटना अलग चीज होता है और वोकैबुलरी की एप्लीकेशन, क्योंकि सी इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, प्लीज डाइजेस्ट इट वेरी केयरफुली, आई मस्ट से, इसे अच्छे से डाइजेस्ट करें कि इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोलना चाहते हैं दोस्तों, इसका मजा लेना चाहते हैं इस बेहतरीन भाषा का, तो आपको पहले इसके यूसेज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और यूसेज के बारे में ज्ञान तब होगा जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक से समझेंगे। मैं बिल्कुल उंगली पकड़ के चला रहा हूं, जो साथ बने हैं वो मजा लेंगे, और धीरे धीरे जब बहुत एडवांस में लेके जाऊंगा तो उनको ऐसा लगेगा कि एडवांस जिससे हम इतना डरते थे एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आराम से साथ साथ चलें, बड़ा मजा आने वाला है। आज इसी एडजेक्टिव को हम लोग आगे वोकैबुलरी के रूप में समझने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, कमेंट किए हैं कि वोकैब वोकैब वोकैब, भैया मुझे पता है कब कौन सी चीज पढ़ाना है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, आप जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा ही अच्छे से कराएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोगों ने जो अभी तक के पढ़ा, एक बार मुझे बता देना इसे क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं? हाँ जी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं मेरे भाई, एडजेक्टिव। जब ए और जे के बीच में डी होता है तो हम डी का उच्चारण नहीं करते। एक छोटे से एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, अगर मैं कहूं इसे पढ़ के बताना तो बहुत ध्यान से अगर मैं समझूं तो हम लोग फट से बोल देते हैं एडजेसेंट फिगर्स, इट इज नॉट एडजेसेंट फिगर, इट इज एडजेसेंट फिगर्स, क्योंकि ए और जे के बीच में डी है मेरे भाई। अगर मैं बोलूं ए डी जे ओ आई एन, हम लोग बोल देते हैं एडजॉइन, इट इज नॉट एडजॉइन, इट इज अ जॉइन। तो इस चीज को सबसे पहले ध्यान से समझना है, हम साथ साथ थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी अपनी अगर सुधारें तो हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत अच्छा लगेगा बोलने का, एक मजा है, लैंग्वेज है दोस्तों, तो लैंग्वेज का मजा भी आना चाहिए, लर्निंग विद फन का कॉन्सेप्ट है, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, आज हम लोग एडजेक्टिव पे चल रहे हैं, तो अगर मैं बात कर रहा हूं एडजेक्टिव्स की, हम लोगों ने अभी तक के पढ़ा है कि इसी एडजेक्टिव्स को हमने कहा डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एक बार बोलते जाना साथ साथ, क्या कहा दोस्तों हम लोगों ने, इसे हम लोगों ने क्या किस तरीके से पढ़ा, बहुत सिंपल डेफिनेशन से हमने आज तक इसे समझा है, एंड द डेफिनेशन इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इसका मतलब हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं बात करूं किसे डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे पास दो चीज है, एक है नाउन, और इसी का जगह जो ले लेता है कब, जब हम इसे रिपीट करते हैं, तो हमने क्या कह दिया उसे, हमने कह दिया प्रोनाउन। तो इसका मतलब तो ठीक ठीक समझ में आ रहा है कि भाई अगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैं किसी चीज को डिस्क्राइब करूं, इनके बारे में अगर मैं कुछ डिस्क्रिप्शन दूं, तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अब इसी की वोकैब हम समझने की कोशिश करेंगे, और वोकैब जब बात हो रही है वोकैब की, तो अब समझते हैं, अब इसका एप्लीकेशन आ गया, अब आप इंग्लिश स्पीकिंग भी कर पाएंगे। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं, चलिए लेट्स से एक व्यक्ति है, मैं नाम ले लेता हूं उसका राजू, ठीक है जी, जस्ट इलस्ट्रेट करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब राजू नाम का भाई है, ये राजू नाम का भाई जो है एक वेटर है, ही इज अ वेटर, और ये भाई साहब काम करते हैं, और यहाँ बहुत सारे लोग जो उस होटल में जाते हैं वो बहुत खुश होते हैं, क्यों, क्योंकि आदमी बहुत व्यवहारिक है। मैंने कहा ये आदमी बहुत व्यवहारिक है, मैंने इसके बारे में कुछ कह दिया, इसे डिस्क्राइब कर दिया, तो जब मैंने इसे डिस्क्राइब किया तो सपोज करिए मैं बोल दिया कि ये बहुत क्या है, ये बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है, ठीक है। चलिए अगर इसी व्यक्ति को मैं और बोलूं कि ये बहुत ध्यान रखता है कि किससे किस तरीके से बात करना है, अगर किसी की कोई समस्या होती है तो उन चीजों को बड़ा ध्यान रखता है, मैंने इसी के बारे में एक और वर्ड ले लिया, सिंपैथेटिक। बड़े ध्यान से समझना और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी लगने वाला है। मैं इसी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, ये कैसा है, ये सिंपैथेटिक है, ये कैसा है, सिंपैथेटिक है। इस देखिए एक चीज समझना दोस्तों, सिंपैथेटिक ये जो शब्द है, ये शब्द आया है सिंपैथी से, कहां से आया है एक बार बोल के बताएंगे, कहां से आया है, सिंपैथी से। ठीक इसी में एक और वर्ड है एम्पैथेटिक, एक बार बोलेंगे शब्द क्या है, एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक कहां से आया है, एम्पैथेटिक आया है जिस शब्द से, उसे हम कहते हैं एम्पैथी, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पैथी। अब अगर मैं ध्यान से समझूं तो सिंपैथी और एम्पैथी दोनों अपने आप में नाउन हैं, सिंपैथी और एम्पैथी दोनों अपने आप में नाउन है, ये अपने आप में नाउन है। अब इसे बना दिया गया
एडजेक्टिव, इसे भी बना दिया गया एडजेक्टिव। हमने जोड़ा क्या, हमने जोड़ा आई सी। इसका मतलब एक चीज समझ में आया कि जिन शब्दों के लास्ट में हमें लिखा हुआ मिले आई सी, वो अपने आप में क्या कहलाएंगे, वो अपने आप में क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। एक बार फिर बड़े ध्यान से समझना, एक दूसरे वर्ड से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कल्पना करें मैं एक वर्ड ले लेता हूं, ईगो। अब अगर मैं बात करूं ईगो की, तो ईगो क्या होता है, बड़ा सिंपल सा शब्द, ईगो मतलब क्या, अहंकार। ईगो मतलब क्या, अहंकार। अब अगर ये अहंकार है और इसी वर्ड से मैं एक दूसरा वर्ड बना दूं, सपोज करिए मैं एक वर्ड बनाता हूं ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, अब ईगोसेंट्रिक का मतलब, ईगोसेंट्रिक लास्ट में क्या जोड़ दिया, आईसी। अब कल्पना करें आपका कोई दोस्त है, वो दोस्त क्या है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, या ये हो सकता है वो हमें, देखो अहंकार को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, अहंकार किस तरीके की चीज होती है। कल्पना करें आप गए बॉम्बे, ठीक है जी, आप बॉम्बे जा रहे हैं और आपने अपने दोस्त को कॉल किया और बोला यार चल बॉम्बे होके आते हैं, और आपका दोस्त तुरंत उसी समय ये सोच लिया, समझ लिया कि बॉम्बे में मैं क्या काम निपटा सकता हूँ। इसका मतलब उसकी फीलिंग किसकी तरफ है, उसकी फीलिंग सिर्फ अपनी तरफ है, केंद्रित वो अपने पे है। आपको लग रहा है मेरा दोस्त है, तुरंत एक कॉल पे वो आ गया मेरे पास और बॉम्बे जाने के लिए तैयार हो गया, बट एक्चुअली वो आपके लिए नहीं जा रहा है, वो जा रहा है किसी और भावना से, वो अपना काम निकाल चुका है। आप किसी दोस्त को किसी काम के लिए बुलाते हैं और वो उसमें अपना काम निकाल लेता है। इसका मतलब एक्चुअली ईगो जो वर्ड है, ईगो का मतलब होता है दोस्तों आई। एक बार फिर से बोलना, ईगो का मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब होता है आई। अब ये ईगो सेंट्रिक जो वर्ड है, अगर इसी ईगो को मैं रिप्लेस कर दूं किससे, आई से, तो अब क्या बना ये आई सेंट्रिक। आई सेंट्रिक का मतलब जिसका केंद्र बिंदु कौन होता है, हमेशा वो स्वयं। जिसका केंद्र बिंदु कौन होता है, वो स्वयं, हमेशा उसके केंद्र में वही व्यक्ति होता है, उसे हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक। ईगो का मतलब होता है आई। लास्ट में मैंने जोड़ दिया आईसी। अब मैंने जब जोड़ दिया आईसी, ये बन गया एडजेक्टिव। अब इसी को थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका बिहेवियर हमेशा हमेशा कहां फोकस्ड है, आई सेंट्रिक है वो, हमेशा हर चीज में क्या देखना है, अपना फायदा। तो क्या मैं बोल सकता हूं उसको, कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूं, हमने पढ़ा आज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी चीज को। तो लोग अक्सर जो है ना सिर्फ ये समझ लेते हैं किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब कर रहे हैं, भैया किसी भी चीज को आप डिस्क्राइब करें, बिहेवियर, ठीक है। अब ये बिहेवियर, बिहेवियर को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो कैसे डिस्क्राइब किया, ईगो सेंट्रिक बिहेवियर। बिहेवियर हो गया नाउन, ये अपने आप में नाउन है, नाउन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तो नाउन को डिस्क्राइब कैसे किया, ईगो सेंट्रिक, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हम जब किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को हम डिस्क्राइब करते हैं, तो वो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब यहां से आपकी वोकैब धीरे धीरे तगड़ी होनी चालू हो जाएगी। अब देखिए सिंपैथी, सिंपैथी अपने आप में नाउन है, एम्पैथी अपने आप में नाउन है। अब थोड़ा सा बेसिकली इन दोनों वर्ड के मैं डिफरेंस को आपको समझा देता हूं। देखिए सिंपैथी का मतलब क्या होता है, पहले समझना, आप जो महसूस कर रहे हैं अगर मैं उसे समझ रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप जो महसूस कर रहे हैं अगर मैं उसे समझ रहा हूं तो यह है सिंपैथी। आप तकलीफ में हैं, मैं उस तकलीफ को समझ रहा हूं, तो इसे हम कहते हैं सिंपैथी। अगर इंग्लिश में बात करूं, इफ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील इट इज सिंपैथी। अब आते हैं इस शब्द में एम्पैथी क्या है, If I feel what you feel, आप जो महसूस कर रहे हैं अगर मैं वो महसूस कर रहा हूं तो उसे कहते हैं एम्पैथी। अब आप ध्यान से समझिए, एक व्यक्ति जो एम्पैथेटिक है तो इसका मतलब ये हुआ वो व्यक्ति ये महसूस करता है जो अगला व्यक्ति महसूस कर रहा है, मतलब ये व्यक्ति उस तकलीफ को महसूस कर रहा है, ये समझ नहीं रहा है दिमाग से, ये उसे महसूस कर रहा है। अब इसी को उदाहरण से समझते हैं, एक व्यक्ति जो महसूस करता था उसे हमने कह दिया मदर टेरेसा, वो महसूस करती थी, वो दूसरे के दर्द को महसूस करती थी, वो कुष्ठ रोगियों के पास जाती थी, उनका मरहम पट्टी करती थी, जो लोग देख नहीं सकते ऐसी बीमारी को वो अपने हाथ से उन चीजों को साफ करती थी। ये तब हो पाता है दोस्तों जब आप चीजों को महसूस करने लगे, जब आप चीजों को सिर्फ दिमाग के स्तर पर समझते हैं। आप हो सकता है, आप कैसे हैं, आप राजू कैसा है, राजू सिंपैथेटिक है, राजू सिंपैथेटिक है, बड़े ध्यान से समझते जाना वर्ड को, एक दूसरा वर्ड लिख रहा हूं। चलिए एक और एडजेक्टिव की बात करते हैं, कम पैशनेट, क्या लिखा दोस्तों, कम पैशनेट। अब कम पैशनेट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है
करुणामयी, मतलब करुणा से कोई भरा हुआ है, प्रेम से कोई भरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? करुणामयी। जो बहुत बड़े बड़े संत हैं, जो समाज सेवक हैं, हमेशा दूसरों के दर्द में, दूसरों के तकलीफ में तुरंत दौड़कर आते हैं, ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं क्या? ही इज कंपैशनेट। अभी और सिखाऊंगा कि चीजों को बहुत आसानी से आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। यहां से हमारी इंग्लिश चालू होगी, हम एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं। क्या सीखा हम लोगों ने? कंपैशनेट, किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं, कोई हो सकता है ही या कोई हो सकता है शी। इसके आगे सिर्फ एक लगा दें, आप क्या, एक लिंकिंग वर्ब जिसे हमने कह दिया इज, ही इज कंपैशनेट, शी इज कंपैशनेट, मदर टेरेसा इज कंपैशनेट, मदर टेरेसा इज एम्पैथेटिक, मदर टेरेसा इज सिंपैथेटिक, मदर टेरेसा इज काइंड, मदर टेरेसा। हाँ, अभी तक के हम लोगों ने इतने शब्द को पढ़ा है, मेरी बात आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इसी कड़ी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी राजू को मैंने कह दिया केयरिंग, ये ख्याल रखता है। आपने सुना है ना, शादी की बात जब होती है अक्सर, तो आप देखना लड़कियों से कोई पूछता है कि भाई किस टाइप का पति चाहिए, बाकी चीजों में तो उनको ध्यान नहीं रहता, लेकिन जब बात होती है किस टाइप की, तो तीन शब्द उनके जहन में हमेशा होते हैं। कौन कौन से, एक बार फटाफट बता देना, अगर कोई मुझे देख रहा है तो, कोई मेरी स्टूडेंट हो जो मुझे सुन रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे वो तीन शब्द आप लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कैसे कैसे होना चाहिए हस्बैंड, कैसा होना चाहिए? लविंग, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। लविंग भी होना चाहिए, केयरिंग भी होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये तीनों गुण आजकल इस सदी में नहीं पाए जाते हैं, तो आप लोग ज्यादा इस चीजों के लिए चिंता ना करें। देखेंगे भविष्य में ऐसा कोई युग हो जहां ये तीन गुण एक साथ इकट्ठे किसी व्यक्ति में हो जाए, आपकी किस्मत। चलिए, तो हम लोग बोलते हैं लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग। अब इंडिविजुअली इसको आप यूज कर सकते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर। अगर मैं चाहूं तो मैं बोल सकता हूं ही इज लविंग, या मैं बोल सकता हूं शी इज लविंग। बड़े ध्यान से समझना, सिर्फ एक एडजेक्टिव को यूज किया, डिस्क्राइब कर दिया किसको, नाउन को। कर क्या रहा हूं मैं, नाउन के बारे में आपको आइडिया दे रहा हूं, किसी व्यक्ति के बारे में डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। शी इज लविंग, ही इज अंडरस्टैंडिंग, शी इज अंडरस्टैंडिंग, ही इज केयरिंग, शी इज केयरिंग। कितना सिंपल हो गया। अब यहां से आपके वोकैब जो है इंप्रूव होने चालू हो जाएंगे। चलिए कुछ और चीजों से समझते हैं। चलिए, अब अगर मैं बोलूं, एक और प्यारा सा वर्ड है, बहुत सारे लोग उदार होते हैं। उदार मतलब, उदार किस तरीके के लोगों को बोलते हैं, जो हमेशा आपके मदद के लिए बहुत आगे रहते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं उदार व्यक्ति, उन्हें हम कहते हैं क्या, जेनरस। एक बार बोल के बताना दोस्तों, व्हाट वी कॉल देम, हम उन्हें कहते हैं जेनरस। अच्छा, कुछ कुछ यहां भी समझ में आ रहा है यार। अगर मुझे किसी वर्ड के लास्ट में मिल गया OUS, तो अपने आप में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा एडजेक्टिव। यहां से कुछ समझ में आ रहा है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या मिला सफिक्स, अगर मुझे मिला IC, तो मैं क्या कह दूंगा, वो एडजेक्टिव है। कुछ अभी यहां से कुछ कुछ ज्ञान मिलना चालू हो गया। OUS से जो वर्ड मुझे मिले वो अपने आप में क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। अगर मुझे लिखा मिला किसी वर्ड के अंत में क्या, IC, तो अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। धीरे धीरे हम कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अभी तक दो चीजें समझ में आई कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर लिखा मिला IC, अपने आप में होगा क्या, एडजेक्टिव। अगर किसी वर्ड के लास्ट में लिखा मिला OUS, अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव। अच्छा, एक बात बताइए, आपने खाना खाया, अब आपको खाने को डिस्क्राइब करना है। आपके पास वेटर आता है, वेटर आपसे पूछता है, आजकल तो अगर आप किसी 3-स्टार या 5-स्टार होटल में बैठे हैं, नॉर्मली यू विल फाइंड आउट, वहां पर जो इनफैक्ट जो वेटर्स होते हैं, देयर आल्सो MBA, वो MBA होते हैं, तो इतनी इंग्लिश तो उनको आती है। तो आपसे आगे पूछता है आपका वेटर, आपसे आगे पूछता है कि हाउ वॉज द फूड, क्या पूछा आपसे, खाना कैसा था, वो क्या कहता है, हाउ वॉज द फूड, खाना कैसा था। आप फटाक से उसको क्या बोलते हैं, एक बार बोल के बता देना, कई लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, भैया हाथ जोड़ विनम्र विनती है, माफ करना अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो है ना, पढ़ रहे हैं तो बोलना पड़ेगा मुझे। फूड कैसा था, हाउ वॉज द फूड, आपने जवाब दिया द फूड वॉज डिलीशियस, आपने फूड को क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एक नाउन को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है जी। सो फूड वॉज डिलीशियस। दोस्तों एक और बेहतरीन वर्ड है, एक बार पढ़ के बताना, सम्चुअस। एक बार पढ़ के बताना, क्या कहा,
sumptuous. ये दोनों समानार्थी हैं, लेकिन छोटा सा भेद है. Delicious का मतलब होता है लजीज, लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं बहुत लजीज, तो वहां पर आप यूज क्या कर सकते हैं, वर्ड sumptuous. फटाक से बता दीजिए, अगर इस बार किसी होटल में जाएंगे अच्छे, और आपके पास कोई वेटर आया और आपसे पूछता है हाउ वॉज द फूड, तो आप क्या बोलेंगे, द फूड वॉज डिलीशियस मत बोलना, द फूड वॉज sumptuous बोल देना. दिल खुश हो जाएगा, शायद खुशी के मारे हार्ट अटैक ना आ जाए उसे. इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसे शब्द बेचारे को समझ में ही ना आए. तो ये सब देख दाख के किसी घूमटी में बैठे हैं और खाना पसंद आ गया और आप बोल रहे हैं द फूड वॉज sumptuous, है ना, टेंशन में भी आ सकता है. अच्छा, इसी को हम लोग और एक वर्ड से बोलते हैं, द फूड वॉज प्लीजेंट, मतलब खाना बहुत अच्छा था. ऑलराइट, तो हम कर क्या रहे हैं, अब देखिए, अब आपकी वोकैब इंप्रूव हो रही है, बहुत इजीली आपकी वोकैब इंप्रूव होगी. चलिए एक चीज और समझते हैं, यहां तो हम कुछ खाने खिलाने की बात कर रहे थे, ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं एक और वर्ड आपके लिए लिख देता हूं. मैं फिर से राजू में आ रहा हूं, राजू हमारी बहुत मदद करने वाला है, आप विश्वास नहीं कर सकते राजू कितना काम का है. राजू एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह हमें सुनाई में आता है. चलिए राजू के पास फिर आ गए हम लोग. अब एक वर्ड लिखता हूं, चलिए मैं अगर लिखा कि राजू कैसा है, आपने क्या कहा, राजू बहुत जिम्मेदार है. बड़े ध्यान से समझना, राजू बहुत जिम्मेदार है. तो राजू अगर जिम्मेदार है तो मैंने लिख दिया रेस्पॉन्सिबल. मैंने क्या दिया लिख दिया दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल. अच्छा, यहां से भी कुछ समझ में आ रहा है यार, अगर किसी वर्ड के लास्ट में मुझे लिखा मिला क्या IBLE, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है. दोस्तों धीरे धीरे पहुंच रहे हैं यात्रा में, बड़े ध्यान से समझते रहना. जो कह रहे हैं कि वोकैब बढ़ाना है भैया, वोकैब इतनी अच्छी बढ़ेगी कि आपने जिसकी कल्पना नहीं की है. चलिए वोकैब वाले पढ़ते जाओ. सो राजू कैसा है, राजू रेस्पॉन्सिबल है. राजू क्या है, रेस्पॉन्सिबल है. अच्छा एक बात बताना, मिस्टर द्रविड़ जब क्रेज में जाते थे, मिस्टर राहुल द्रविड़ की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मिस्टर राहुल द्रविड़ जब क्रेज के अंदर जाते थे तो क्रिकेट खेलते थे, तो कहते थे, उस समय एक वर्ड बहुत फेमस हुआ था, कोई बोलेगा कौन सा वर्ड था, दिल से कहो यार, दिल की आवाज़ तो मुझ तक आई जाती है. अरे बेहतरीन भाई, दिल खुश कर दिया यार. ये जो वर्ड था ये वहीं से बहुत फेमस हुआ, और ये वर्ड था रिलायबल, और रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद. कुछ और समझ में आ रहा है, जिस वर्ड के लास्ट में लिखा क्या मिले, ABLE, अपने आप में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा. अगर लास्ट में मुझे मिला लिखा ABLE, तो अपने आप में क्या हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा एडजेक्टिव. सो हम लोगों ने उनका नाम भी रख दिया था, और लोग उन्हें बहुत प्रेम से कहते थे मिस्टर रिलायबल, क्योंकि जब वो क्रिस पर खड़े हो जाते थे उसके बाद उनको आउट करना बड़ा मुश्किल, कभी कभी तो असंभव ही हो जाया करता था. सो ही वॉज नोन एज मिस्टर रिलायबल, उन्हें हम रिलायबल कहते थे. ऑलराइट, तो ये तो हो गई एक बात रिलायबल. ABLE से जो वर्ड मिलेंगे वो भी अपने आप में एडजेक्टिव्स हैं. IBLE अगर लास्ट में लिखा मिले तो वो भी अपने आप में क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स हो जाएंगे. धीरे धीरे बहुत सारी चीजें समझ में आएगी आपको. चलिए एक और, अगर मैं वर्ड की बात करूं, मैं किसी व्यक्ति के बारे में बोलूं, लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूं कोई व्यक्ति है जो बहुत मेहनती है, कोई व्यक्ति जो बहुत मेहनती है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हार्ड वर्किंग. देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है, ING. लास्ट में अगर मुझे लिखा मिला ING, और अगर मैं किसी चीज को क्या कर रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा केयरिंग, लविंग. अच्छा इसी में मैं ये भी बोल सकता हूं, वो बहुत क्या है, एंटरटेनिंग है. वो क्या है, बहुत एंटरटेनिंग है. तो अगर बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है या बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड वर्किंग है, लास्ट में लिखा मिल रहा है क्या, ING मिल रहा है. और अगर मैं इस ING का उपयोग किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करने में लगा रहा हूं, तो इसका मतलब वो क्या है अपने आप में, वो एडजेक्टिव्स है. तो दोस्तों बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग सिर्फ ऐसे सोच लेते